नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये नजारा है फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित साई संस्कार स्कूल का, जहां पर मदर्स डे के अवसर पर नन्हे छात्रों की माताओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ एक और नन्हे बच्चों ने माँ शब्द से संबंधित पुराने सॉन्ग्स पर एक के बाद एक प्रस्तुति देकर अपनी माताओं के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया। वहीं स्टेज पर नन्हे बच्चों की माताओं ने भी कविताओं व डांस के जरिए ये बता दिया कि उनके लिए माँ होना कितने गर्व की बात है। वहीं साई संस्कार स्कूल के प्रिंसिपल शशि वर्मा ने मदर्स डे पर विशेष घोषणा हमारे कैमरे के माध्यम से की कि जल्दी ही इस स्कूल को और बड़ा किया जाएगा। वहीं स्पेशल चाइल्ड बच्चों को भी शिक्षा देने का काम साई संस्कार स्कूल करेगा, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड बच्चों के लिए NCR में शिक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। और हाल ही में एक पिक्चर का एक डायलॉग बड़ा ही मशहूर हुआ था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। ऐसी ही कुछ माएँ हमारे साथ हैं और यहाँ पर किस तरह से आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, सबसे पहले जाना चाहेंगे शशि मैम से, जो प्रिंसिपल हैं साई संस्कार स्कूल की। मैम, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं मदर्स डे की, और आज किस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? सर, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है माओं का, मम्मियों का। आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे अच्छी मदर्स हैं हमारे पास। इन सब की सपोर्ट से हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है, माओं ने भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको एक स्टेज भी दिया गया आज के दिन। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और माँ तो अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है ही, पूरी दुनिया है। इतनी अच्छी दी है कि मुझे मेरे बेटे की भी याद आ गई है। एक और बात आई थी सामने, जब बात की गई थी चांटे की, तो आपने चांटे का भी किस्सा बताया अपने बेटे के साथ जो कनाडा में अभी। हाँ सर, मेरा बेटा है और मैं उसको यहाँ से कभी कभी अगर चांटे, क्या जैसे कहते हैं ना कि इंडियन माँ के चांटे में बहुत ताकत होती है, तो वो चांटा मैं कभी कभी यहाँ से भेज देती हूँ और वो वहाँ पर उसको लग जाता है। बट जो भी है, बहुत बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से, कोई भी गलती नहीं कर सकते। इंडियन माँ इतने एफर्ट्स लगाती है अपने बच्चे के साथ कि वो चाहकर भी कोई गलती नहीं कर सकते हैं। पिछला वीडियो भी हमने दिखाया था जब यहाँ पर आए थे, पेरेंट्स से भी जाना था, काफ़ी अच्छा उन्होंने जो है यहाँ का बताया कि माहौल बड़ा अच्छा होता है। और इसके अलावा मैंने सुना था कि यहाँ पर जो पिछली बार आपने जैसे बताया था कि आपका सपना है इसको और ब्रॉड करने का और बड़ा करने का, ताकि और ज़्यादा बच्चे इस क्षेत्र के या और दूर दूर से लोग आ सकें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ थी जो स्पेशल चाइल्ड्स को, वो क्या है? सर, रियल में बहुत बड़ा सपना है, मेरी फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट है, उसके बाद मेरे पेरेंट्स की बहुत अच्छी सपोर्ट है। इन पेरेंट्स की वजह से ही मैं बहुत बहुत ऊपर आई हूँ। अगर इन लोगों की सपोर्ट नहीं मिलती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अभी मैंने यही सोचा है कि मेरा ये स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है और अब मैं स्पेशल किड का एक डे केयर ओपन करने जा रही हूँ। जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिसमें 40%, 20% या 100% कुछ कमियां रह जाती है, अपनी पूरी 100% कोशिश करूंगी कि माँ बाप को वो खुशी दे सकूं, वो चीज़ दे सकूं जो वो मुझसे चाहते हैं। बात करें NCR में स्पेशल चाइल्ड्स की जो है, उनके लगभग देखा जाता है उनके पढ़ाई के लिए कोई भी सुविधा नहीं है किसी भी तरह की, तो यही सोच है? हाँ हाँ बिल्कुल, उन बच्चों को एडमिशन भी नहीं दिया जाता है। किसी भी स्कूल में जाएंगे उन बच्चों को कोई एडमिशन नहीं मिलता है, बट मेरे यहाँ उन बच्चों के लिए एक दो सीट रिजर्व रहती ही रहती है, हमेशा ही रही है, शुरू से ही रही है। तो अभी फिलहाल में भी ऐसे बच्चे हैं? हाँ, अभी भी हैं, मेरे पास 2-3 बच्चे इस तरीके के हैं, बट अब मैं 100% बच्चों को लाना चाहूँगी यहाँ पर, ताकि उन पेरेंट्स को मैं वो वाला एटमोसफेयर दे सकूँ, उन बच्चों को वो एटमोसफेयर दे सकूँ, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम भी नहीं है और उतने एफर्ट्स भी लगाने के लिए नहीं है, वो मैं उनको देना चाहती हूँ और 100% में रिजल्ट लेकर आऊँगी, ये मेरा वादा है। बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्पेशल चाइल्ड्स को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, उनको कितना बड़ा चैलेंज के लिए कितना तैयार हैं आप? 100% सर, 110% मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और उनके पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं वादा करती हूँ कि आपके बच्चे को मैं ठीक करके दूँगी, परफेक्ट करके दूँगी। चलिए, हम भी करते हैं कामना कि आपका जो सपना है और वो साकार हो और आगे भी जो है आपको हिम्मत मिलती रहे। और ऐसी ही माएँ हैं हमारे साथ, क्या नाम है जी? आई एम श्रुति, ये मेरी बेटी है काशवी जी। बेसिकली ये काफ़ी छोटी थी, 1.5 साल की भी नहीं हुई थी,
एक्चुअली हम दोनों वर्किंग या मेरे हस्बैंड का बाहर ट्रांसफ़र हो गया था, तो मुझे एक अच्छे स्कूल की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत छोटी थी कि जहाँ पर मैं इसको पूरी श्योरिटी से कॉन्फिडेंस से भेज सकूँ। तो साई संस्कार से मुझे वो सपोर्ट मिला। थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे डाउट था क्योंकि बहुत छोटी है और खाना भी नहीं आता, कुछ नहीं करती, बट मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे को अपने घर के पास में इतना अच्छा स्कूल मिला। यहाँ पर काश भी बहुत कंफर्टेबल है। मैं एज अ मदर को बहुत कंसर्न्स होते हैं कि सेफ्टी का, खाने का, हर चीज़ का, हाइजीन का, यहाँ मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। इस एरिया में देखा जाए तो एक और बड़ा स्कूल भी है एसी वाला और बहुत अच्छी सुविधाओं वाला, लेकिन उसके मुकाबले बात की जाए साई संस्कार की तो यहाँ पर आपके बच्चे में कितना, क्योंकि सबसे मैंने सुना है जैसे आपने भी बताया कि सबसे छोटी बच्ची आपकी जो यहाँ पर आई है जिसका एडमिशन हुआ था, तो कितना आपने इसमें इम्प्रूवमेंट देखा है? मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है क्योंकि जब मैंने इसको भेजा था तब ये बिल्कुल इंट्रोवर्ट थी, किसी से बात नहीं करती थी और खाना ये बिल्कुल नहीं खाती थी, इसको एक पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने एक बड़े स्कूल नहीं भेजा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर 1-to-1 अटेंशन नहीं मिल पाएगी बच्चे को। यहाँ पर उसकी मैम ने उसके एज अ मदर उसकी इतनी बॉन्डिंग हो गई कि वो मेरे को आराम से बाय बाय कर स्कूल जाती थी और आराम से वहाँ पर खाना खाती थी। जो मैं घर पे करती थी वही उसको अटेंशन केयर यहाँ पर मिलती थी, तो मैं 100% रिलैक्स एंड आराम से भेजती थी। आज ये अपने आप खाना खा लेती है स्कूल में, अगर पूरा लंच फिनिश कर आती है, खूब बातें करती है, खेलती है, सबसे फ्रेंडशिप करने लगी है। और मुझे पता चला कि यहाँ पर इसको काफ़ी एक्टिविटीज़ कराते, तो आई रियलाइज कि इसको डांस करने का बहुत शौक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखकर मुझे आके घर आके बताती है। तो मैं एज अ वर्किंग वूमेन जब मैं घर पहुँचती हूँ तो मैं रिलैक्स्ड होती हूँ कि मेरी बेटी ने दिन में परेशान नहीं हुई है, खाना पीना खाया है। और थैंक यू मैम। तो और भी माताएं हैं उनसे बात करेंगे। मैम एक बार खड़े हो जाइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारुल है। अब जी क्या कहेंगे साई संस्कार के बारे में? आज मदर्स डे है, सबसे पहले हमारी तरफ से भी आप सभी माताओं को जो है मदर्स डे की शुभकामनाएं हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से साई संस्कार में सभी माताओं को इकट्ठा किया गया है, मंच भी दिया गया है, क्या कहेंगे? टू स्टार्ट विद हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू एज वेल। और टू बी ऑनेस्ट मैं तो ब्लेस्ड हूँ यहाँ पे। मेरे दो बच्चे हैं, एक मेवान है जो कि 4.5 साल का है और मयूख है जो कि 2.5 साल का है। ऑनेस्टली मैंने तो कम्प्लीटली इन पर छोड़ रखा है बिकॉज मैं MNC में काम करती हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, मेरे हस्बैंड इज़ अ बैंकर, उनकी डे शिफ्ट होती है, तो हम लोग तो बच्चों को बहुत कम टाइम दे पाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो जो भी सिखाया है, जो भी संस्कार हैं, वो साइंस संस्कार के हैं। तो ये स्कूल का नाम बिल्कुल सही है, साइंस संस्कार। पेरेंट्स के संस्कार तो हैं ही, साथ में जो बच्चों को अच्छे संस्कार होते हैं, नमस्ते करना, जो हमारे भारतीय संस्कार हैं, वो साइंस संस्कार की साइड से मिलते हैं। और आई एम कम्प्लीटली 100% डिपेंडेंट ऑन देम एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतना अच्छा स्कूल मिला, इतनी अच्छी प्रिंसिपल, टीचर्स, डे केयर यहाँ पे जो है, जो मतलब जो भी स्टाफ है, everyone, कम्प्लीटली 100% आई एम ब्लेस्ड एंड आई वुड से आई एम श्योर मेरे बच्चे बड़े होकर यही बोलेंगे कि थैंक यू सो मच आपने हमें यहाँ डाला। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आपसे दोबारा सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और अभी एक मैम और है, उनका परफॉर्मेंस भी आपने देखा होगा, तो आपको मिलवाते हैं। मैम सबसे पहले आपको शुभकामनाएं हैं आज के दिन की, क्या कहना चाहेंगे? आपने बच्चे के साथ बड़ा ही समा बांध दिया और सभी माताओं ने, सभी पेरेंट्स जो आए हुए हैं, सभी ने आपका उत्साह भी बढ़ाया है, और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हिमानी है, मैं खुद भी जॉब करती हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराय ख्वाजा के अंदर। मैं बच्चा 2.5 साल का था जब मैंने उसे साइंस संस्कार में भेजा था। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में मुझे प्रिंसिपल मैम की तरफ से यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया शशि मैम के लिए, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हमारा उत्साह बढ़ाया। एक माँ जो होती है वो दुनिया में भगवान का दूसरा रूप होती है। भगवान को हम नहीं देख सकते हैं, उससे हम जाके कुछ कह नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, इसलिए शायद भगवान ने एक माँ के रूप में हमें भेजा है। और आज के दिन मैं तहे दिल से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरा साई संस्कार में है, एक सेफ्रॉन पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। आज मेरा बच्चा 3.5 साल का हो गया है, साई संस्कार के बाद से उसके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, बहुत अच्छा। थैंक यू साई संस्कार, थैंक यू शशि मैम एंड थैंक यू अदर टीचर्स कि वो बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चों की तरह उन्हें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, खाना खिलाना सिखाते हैं, अदर्स एक्टिविटी जो कुछ भी है। माँ के अलावा अगर दूसरा कोई रूप है तो वो है एक टीचर का। मैं भी एक टीचर हूँ,
तो एक टीचर के नाते और एक माँ के नाते, दोनों के नाते मैं कह सकती हूँ कि हमारा बच्चा जो है वो सबसे पहले माँ से सीखता है, दूसरा वो अपने स्कूल से सीखता है। तो थैंक यू साईं संस्कार, हमारे बच्चे यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि शशि मैम आगे भी बहुत अच्छा करती रहेंगी और हमारे बच्चे इसी तरीके से तरक्की करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि यहाँ मदर्स हैं और भी पेरेंट्स आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप जिस तरह से आज मदर्स डे मनाया जा रहा है यहाँ पर, और क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे लोग इकट्ठे हुए और यहाँ पर इतना अच्छा फंक्शन था, छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया। काशवी की मम्मी के आप सुन ही चुके हैं, उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरा भी बाहर पोस्टिंग है तो मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ अपना, तो जैसा मुझे पता चलता है कि हाँ बेटी जो है साइंस संस्कार स्कूल जाती है और वहाँ से कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख रही है, नई नई चीज़ें सीख रही है और काफ़ी इसकी उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और तो हम कभी अपना बचपन याद करते हैं तो इस तरह का स्कूल अगर आपको मिला होता, हालांकि बहुत हम बेसिकली मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, वहाँ पर मुझे इस तरह का स्कूलिंग नहीं मिला और मैंने 4 या 5 साल में जाके अपना स्कूल स्टार्ट किया था, तो बहुत फ़र्क पड़ता है यदि इस तरह से मुझे मतलब इतना अटेंशन और इतना गाइडेंस मिलता स्कूल में, तो अच्छा लग रहा है अभी। लगता है कि आपके बच्चे का जो फ्यूचर है आगे बहुत ब्राइट होगा क्योंकि नींव ही मजबूत हो रही है। हाँ बिल्कुल, लगता है, ऑफकोर्स लगता है और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता है बच्चे को देखकर, तो होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। देख तो और पेरेंट्स हमारे साथ भी हैं और बड़ी अच्छी फोटोग्राफी करते हुए दिखाई दिए थे सर भी, सर से भी जानना चाहेंगे पहले, क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक चौधरी है। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे साइंस संस्कार के बारे में? साइंस संस्कार मैं इसके ज्वाइनिंग करने से पहले ही काफ़ी बार सुना हुआ था, तो मैंने ऑनेस्टली बताऊँ मैंने कहीं पर भी कोई दूसरा स्कूल का कंपैरिजन नहीं किया, जैसे ही आया यहाँ पे इतना अपनापन है और जैसे कि मतलब ये स्कूल से ज़्यादा घर जैसा ज़्यादा फील कराते हैं। बाकी स्कूलों में मैंने जहाँ तक जितना भी मैंने सुना है कि डिजिटल और ये सब शब्दों का यूज़ करते हैं जहाँ की बच्चों की परवरिश नहीं होती है, खाली कमाई के तरफ उनका ज़्यादा ध्यान जाता है। तो मैम क्या नाम है? माय नेम इज़ कमलेश। मैम क्या कहना चाहेंगे आज मदर्स डे है, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। और माताओं के भी आपने परफॉर्मेंस देखी, सबको उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां भी बजाई, बच्चों के दूसरों के बच्चे भी अपने बच्चों की तरह लगते हैं, क्या कहेंगे? बच्चे तो ऑब्वियसली सबके ही प्यारे होते हैं एंड इट वॉज रियली अ ग्रेट सेलिब्रेशन हियर एंड एक्चुअली आई एंजॉयड अ लॉट। एंड अबाउट दिस स्कूल, माई हस्बैंड टोल्ड मी अबाउट दिस कि दिस देयर इज अ स्कूल बाय द नेम ऑफ साई संस्कार एंड ये बहुत अच्छा स्कूल है एंड द थिंग इज वो मोरल वैल्यूज पे ज़्यादा फोकस करते हैं इन कंपैरिजन टू शोइंग ऑफ। तो वी फर्स्ट केम हियर फॉर अ जस्ट अ क्वेरी एंड ऑन द सेम डे वी एनरोल्ड हर, वी डिडंट गेट गो एनीवेयर टू कंपेयर विद अदर स्कूल्स एंड वी आर सेटिस्फाइड। तो बात करें यहाँ के टीचर्स की, कैसे जब बच्चा आपका घर आता है तो कभी शिकायत करी यहाँ के टीचर्स की? हालांकि अब तक जितने पेरेंट्स से बात करिए किसी ने भी कोई ऐसी शिकायत? आई थिंक टीचर शुड बी क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड माई डॉटर इज नॉट सो नॉटी एट होम, इन स्कूल शी इज टू डिसिप्लिन एंड वी आर सीइंग कि शी इज इम्प्लीमेंटिंग दिस इन हर रेगुलर लाइफ ऑल्सो। और ये सिर्फ साइंस संस्कार के टीचर्स की वजह से ही है और टीचर्स को जो कंट्रोल करती है वो हमारी प्रिंसिपल मैम है, जो हमारी बेटी उनको बड़ी मैम बोलती है, उनका एक नया नाम है जो कि हम साई संस्कार के लिए हमेशा थैंकफुल रहेंगे। दर्शकों एक बार फिर से हम इस वीडियो में आपके साथ जुड़े हैं और आपको बता दें कि साई संस्कार स्कूल की टीचर्स हैं जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और बड़ा ही सफल आयोजन इन सभी टीचर्स के द्वारा हुआ है। हालांकि सभी टीचर्स से बात तो नहीं करवा सकते लेकिन गिनती के अभी 2 टीचर्स हैं हमारे साथ और इनके नाम भी जानना चाहेंगे और आज इस सफल कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे कि इस तरह से तैयारियाँ रहीं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम। नीलम जी सबसे पहले तो मदर्स डे की शुभकामनाएं हैं और क्या कहना चाहेंगे, आज बड़ा सफल कार्यक्रम रहा और किस तरह से जो है आपने तैयारियां की थी और आज थीम क्या रही है? सर हमारा पूरा एक टीम वर्क होता है, शशि मैम हमें पूरी तरह से गाइड करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मैनेजमेंट रहता है हर काम में और हमारी थीम आज थी मदर्स के लिए थी तो उनके लिए हमने बनवाए, इस तरह के कार्ड्स बने हमारे
और पेंट बन क्राफ्ट वर्क में हुआ है और मैं पूरा टीम वर्क बहुत अच्छे से हुआ है। काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा है और जो है बच्चों ने और माताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत ही अच्छा लगता है जिस तरह से हुआ है स्कूल में हमारे। हमने कई पेरेंट्स से भी बात करी है, पेरेंट्स ने भी जो है टीचर्स की सभी की बहुत तारीफ़ की है कि वो ज़्यादातर जॉब करने वाले हैं, कहीं बाहर जाने वाले हैं, जब वो अपने घर में आते हैं वापस तो उनको जो है बच्चे में के की अच्छी पढ़ाई के साथ साथ उनके संस्कार भी दिखाई देते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, या ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चों की हर खाली पढ़ाई नहीं, उनका हर तरह से मतलब उनकी वो परफॉर्मेंस रहे, वो अच्छे से सीखे हर चीज़, ओवरऑल डेवलपमेंट हो उनका। अक्सर देखा जाता है बच्चे जो हैं टीचर्स से डरते हैं, लेकिन यहाँ कैसे माहौल रहता है? नहीं सर बिल्कुल, बच्चे तो हम लोगों के साथ एज ए मदर हम लोगों के साथ बिहेव करते हैं, ऐसे अटैच है कि हमसे दूर होते ही उनका तो रोना शुरू हो जाता है। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शर्मिला है, मैं मदर टीचर हूँ UKG क्लास की। और जैसे कि आपको पता ही आज हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए अरेंज किया था और मदर्स की साइड से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और बहुत अच्छा हमारा फंक्शन रहा है। आज की थीम मदर्स डे पर है और जो आज देखा गया कि यहाँ पर जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, सारे जो ओल्ड सॉन्ग्स थे माताओं के ऊपर विभिन्न तरह के, तो उस पर बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, वहीं माओं ने भी दी। बिल्कुल सर बिल्कुल, मदर्स तो है ही, जैसे बच्चे परफॉर्म मदर्स के लिए कर रहे हैं, मदर्स का भी बहुत अच्छा ये रहा कि हमें बच्चों के लिए परफॉर्म करना है और बहुत सफल प्रोग्राम हुआ हमारा सबकी सपोर्ट से। शशि मैम की बात की जाए तो पूरा सपोर्ट रहता है, जब तक नीचे जड़ मजबूत ना हो तो आपकी जड़ें कितनी मजबूत करके चलती हैं टीचर्स की, ताकि टीचर्स का भी हौसला बना रहे। बिल्कुल सर बिल्कुल, वो तो हमारे लिए एक आइडल है सर, उन्हीं से हमें सब कुछ सीखने को मिल रहा है और पूरी टीम जो अभी जुड़ी हुई है उन्हीं की वजह से जुड़ी है, वो हमें जैसे जैसे गाइड करते हैं हम उसी पे चलते जा रहे हैं और नतीजा आपके सामने है, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। एक और चीज़ सामने आ रही है कि आप आने वाले समय में स्पेशल चाइल्ड्स को लेकर जो है स्कूल में रखे जाएंगे और एडमिशन बढ़ाए जाएंगे, केवल अभी एक दो बच्चे ही हैं, बड़ा मुश्किल होता है इन बच्चों को संभालना, और नॉर्मली बच्चों को तो आप संभाल रहे हैं अपनी माँ की तरह, लेकिन आगे कितना तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल सर, इसके लिए सर हमने मैम ने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, क्योंकि देखो वो स्पेशल बच्चे हैं, जैसे उनको बोलते ही स्पेशल बच्चे हैं, वो अपनी मदर से एकदम निकल मदर के पास से हमारे पास आएंगे, तो हमें उसके लिए स्पेशली ट्रेन किया गया है कि उनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि सभी टीचर्स आपको मदरली नहीं ट्रीट करेंगी, उन बच्चों को जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स चाहिए हमारे साथ इमोशंस के साथ उन्हें जुड़ना है उसके लिए रहेंगे, क्योंकि हमें उनकी इंटेलिजेंस पे वर्क नहीं करना, उनके इमोशंस पे वर्क करना है। जैसा तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं रहेंगी आगे के लिए, धन्यवाद। सुना कि यहाँ पर तमाम पेरेंट्स ने जो है साईं संस्कार के बारे में क्या कहा है, वहीं आपको बता दें कि बड़ी खास बात है कि साईं संस्कार के द्वारा जो एक नई पहल की जा रही है स्पेशल चाइल्ड्स को लेकर, और उनके लिए भी यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर खोला जाएगा, एक नया क्रेश खोला जाएगा उन बच्चों के लिए, और पूरे NCR में बात करें तो विशेष ही रहेगा, तो ये खबर सबसे ज़्यादा इसमें खास है। वहीं आपको हमने इस पूरी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरह से साईं संस्कार के अंदर आज मदर्स डे मनाया गया है और किस तरह से यहाँ पर आज तमाम पेरेंट्स आए हैं और किस तरह से बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है। आप सभी को एक बार फिर से टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम की तरफ से मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे की शुभकामनाएं। मैं अजय वर्मा, फरीदाबाद। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।